हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम बैक वंस अगेन। सो ओनली टू चैप्टर्स आर पेंडिंग, डेट चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 17। सो लेट मी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, द ग्लोरी ऑफ द भारतवर्ष। एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इन टू 3 पार्ट्स, एंड यू नो इट वेरी वेल, दिस इज पार्ट 1 ऑफ 3। डेट मीन्स दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू कवर इन टू 3 पार्ट्स, एंड दिस इज द वेरी शॉर्ट एंड स्वीट द फर्स्ट पार्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम दिया है द ग्लोरी, ग्लोरी यानी हमारी जो शान शौकत होती है, और भारतवर्ष, भारतवर्ष यू कैन इनडायरेक्टली से इंडिया, हमारी जो देश की शान शौकत थी, हम लोग कितने महान कंट्री हुआ करते हैं, अभी हैं और क्या होंगे वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट हमारी जो हिस्ट्री, हमारी जो ग्लोरी है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसको हमको बहुत प्राउड फील होता है। सो लेट्स सी किसी कौन सी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, जो आप अपने देश के बारे में जान के यू विल फील प्राउड। ओके, सो अबाउट माई इमेज यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिटन। फ्रेंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड द गुजरात बोर्ड व्हाट दे ट्राइंग टू से। सेम टेक्स्ट बुक गुजराती मीडियम में अवेलेबल है, बट स्टिल सिलेबस खत्म होने आ गया। आई थिंक एटलीस्ट 17 चैप्टर से पहले तो आ जाए। ओके, नॉट एन इशू। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। सो टुडे आई एम गोइंग टू लाइन एक्सप्लेनिंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। वी हैव लर्नड अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशेंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी। सो अभी तक हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, डेट इज अप टू द स्टोन एज टू 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी व्हेन आई टॉक मीन्स 800, राइट नाउ इट इज 2021। ओके, सो हम लोगों ने 800 तक सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। वी हैव गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड हेरिटेज ऑफ वेरियस एजेस। ओके, तो अलग अलग टाइम पे कौन से रूलर थे, उनकी क्या मतलब किससे लड़ाई, जैसे गुप्ता एज पढ़ा था हमने। ओके, समथिंग लाइक दैट। इंडिया इज अ ह्यूज नेशन लाइक अ सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश था, एंड इवन पूरे सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट मीन्स एशिया इज अवर कॉन्टिनेंट, यू नो इट वेरी वेल, एंड एशिया में इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था। आज इंडिया का साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि सालों से इंडिया के बहुत सारे डिविजन्स हुए हैं। पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड, इवन श्रीलंका गॉट सेपरेटेड, म्यांमार गॉट सेपरेटेड, बांग्लादेश गॉट सेपरेटेड, एंड इवन अफगानिस्तान गॉट सेपरेटेड। पहले ये इतना बड़ा कंट्री भारतवर्ष हुआ करता था। ओके, सिंस एंशिएंट टाइम मैनी पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया एंड दे वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड अवर प्रॉस्पेरिटी। देखो अभी क्या होता है कि गांव में जो रहते हैं उनको क्या लगता है कि शहर में तो लोगों की जिंदगी बहुत ईजी है। मीन्स अगर गाँव से अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो उनको बहुत ट्रैवल करके आना पड़ता है, उनको कोई ज़रूरत की चीज़ें लेनी हो तो बहुत ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो उनको क्या लगता है कि अगर हम लोग शहर में चले जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमारे पास में होंगी, तो हमको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जिससे हम लोग और भी बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, मीन्स वो कुछ अर्न भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक डैट। सो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे ना, वो इंडिया के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे, और बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में आती गई और वो इंडिया में सेटल होती गई, और हम लोगों ने उनको होल हार्टेडली वेलकम भी किया। सो इट इज़ अ कल्चर ऑफ आवर कंट्री कि हम लोग लोगों को होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी करते हैं, और वेल और वो यहाँ पे रह, यहाँ के हो भी जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन 4th लाइन। ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर क्रिएट कन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी। इसी के कारण क्या हुआ, इंडिया में आपको बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग एथनीसिटी यानी अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, ठीक है, उनका खान पान रहन सहन बहुत अलग अलग है, इतनी अलग अलग चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। एंड 5th लाइन में अगर हम लोग आ जाएँ तो जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो इसलिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट स्टिल यूनिटी है। वी विल
gather information about art and architecture from and social life and of our country. हमको हमारे कंट्री के, अब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कोई मंदिर देखते हैं, तो मंदिर के जो पैटर्न्स बने होते हैं, उसके जो पिलर्स होते हैं, उस पर जो बनावट होती है, वो सब क्या है? आर्ट फॉर्म है, आर्किटेक्चर वर्क है. तो उससे हमको मतलब सोशल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, एंड उस टाइम के लोगों की लाइफ कैसे रही होगी, थोड़ा बहुत हमको आइडिया आ ही जाता है. सो डैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंड इससे हमको हमारे कंट्री का जो ग्लोरियस हिस्ट्री है वो हमको देखने को मिलता है. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट स्लाइड्स गिव इन्फॉर्मेशन कि हम एक बार फटाफट देख लेते हैं. 8th सेंचुरी तक हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, हम लोगों ने अलग अलग रूलर्स को देखा. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था. एनीवन बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स, सब ट्राइब्स के लोग इंडिया में आते गए और हमारी प्रॉस्पेरिटी और बढ़ती गई. एक तरह से बहुत सारे कल्चर का कन्फ्लुएंस हुआ, बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ इकट्ठी होती गई. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इंडिया के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, एंड इससे हमको हमारे कंट्री के हेरिटेज के बारे में पता चलता है. ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर. ठीक है, तो हम लोग अपने एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर द एग्रीकल्चर पार्ट. ओके, वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग वी यूज इन अवर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स. देखो हम लोग अपनी लाइफ में जो भी कंज्यूम करते हैं, एक्चुअली हम लोग खाना खाते हैं. ओके, और इवन हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी जलाते हैं. अभी तो चलो ठीक है, गैस वैस आ गया, बट आज से 200 ईयर्स पहले कुछ अलग सीन हुआ करते थे. और हमारी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है ना, वो हमको खेतों से मिलती है. ओके, सो ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, फार्मिंग बिगिन इन एंशिएंट इंडिया. ये मतलब हम लोगों ने देखा था कि इंसान ने कैसे फार्मिंग शुरू की थी. अर्लियर चैप्टर वी हैड स्टडीड इट. इन दोज डेज ऑल्सो वीडियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वेयर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग. एंड ऐसा नहीं है कि इरीगेशन मीन्स खेती करने के लिए आपको पानी चाहिए. ठीक है, कुछ प्रॉपर टूल्स चाहिए, कुछ मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम लोग इरीगेशन फैसिलिटीज कहेंगे, जो मतलब उस टाइम पर भी उतनी डेवलप थी जितनी आज डेवलप है. सो इन माई बिलो माई इमेज, इन एंशेंट टाइम्स वीट, बार्ली, पेडी, जवार, मिलेट, सीसम, पीस एक्सेट्रा वेयर कल्टिवेटेड. सो दीज आर द क्रॉप्स जो कल्टिवेट हुआ करती थी, जो हो रही हैं और जो होती भी रहेगी ऑफकोर्स. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टूल्स. देखो एंशेंट इंडिया की बात करें तो वट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग. देखो अगर आप लोगों ने कुछ पुरानी मूवीज देखी होगी तो एक सॉन्ग था मेरे देश की धरती सोना उगले, इसमें दो बैल होते हैं, बैल के बीच में वो लकड़ी फिट की जाती है और उससे ज़मीन को मतलब लेवलिंग का काम होता है. बट आज ये काम अगर हम देखें ना, तो ट्रैक्टर ही सब काम करते हैं. तो टूल्स बहुत चेंज हो गए हैं, है ना. पहले हम लोग से फॉर एग्जाम्पल टमाटर हमने बोए, तो टमाटर को काटने के लिए पहले हम लोग सब जाते थे, खींचते थे. बट आजकल ये सब काम मशीनें कर सकती है. आप लोग डिस्कवरी चैनल पे जाके देख लेना कैसे वो लोग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस वो लोग डायरेक्टली वो सब चीज़ें निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड ऑल डेट. सो हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, इन हरप्पन कल्चर प्लग हैज नॉट बीन फाउंड अमोंग टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर. सो प्लग जो मैंने कहा था ना, दो बुल के बीच में जो लकड़ी होती है, एंड वो मतलब नहीं मिला था हमको हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे. बट प्लग शार्प टॉय हैज बीन फाउंड, सो इट कैन बी सेड दैट दे वेर यूजिंग प्लग फॉर फार्मिंग. लेकिन उन उस टाइप के कुछ उन लोगों को खिलौने मिले थे. अफकोर्स उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि हम लोग एनिमल की हेल्प ले सकते हैं, बट वो हाथ से किया करते हैं होंगे मे बी शायद. ओके, सो इस टाइप का हमको एविडेंट मिलता है कि प्लग उस टाइम पे भी यूज होते थे. यूज ऑफ आयरन टूल्स हैज बीन इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. फिर हम लोग जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती गई, उन्होंने आयरन के टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिड होते हैं.
It include access for clearing forest and front portion of the plug used for plugging soil. तो उन्होंने देखा कि जो आगे वाला हिस्सा होता है समथिंग लाइक दिस, ओके, तो वो जमीन को प्लग करने में काम आता है. इन एडिशन दे वेर फैमिलियर विद अ सिकल एंड एक्स एंड एक्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो. तो ये जब इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब उन लोगों को समझ में आने लग गए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इरीगेशन, ओके, सो लेट अस स्टार्ट. विदाउट रिच विलेज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग एंड देयर किंग टू सर्वाइव. Just a new tool and seedling were important steps for developing an agriculture. Irrigation also proved to be very useful. At this time, canal, well, lakes, artificial reservoirs were created for irrigation. देखो अब पहले के टाइम पे you know it very well कि राजा महाराजा हुआ करते थे. अब ये लोग की इनकम कहाँ से होती थी? एग्रीकल्चर से. अगर आपके पास अच्छा प्रॉपर एग्रीकल्चर फार्म है तो आप लोग उसमें बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो. बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो राजा को भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एंड इससे क्या होगा कि राजा की तिजोरी हमेशा फुल रहेगी और उसको मतलब अपने खर्चे कर सकता है और अपने किंगडम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है. तो वो चाहते थे कि गाँव के लोग भी ज़्यादा पैसे वाले हों तो वो लोग ईजिली टैक्स भी भरेंगे. एंड हमेशा उनको मोटिवेट किया था कि आप नए नए टूल्स बनाओ जिससे आपका जो एग्रीकल्चर का लैंड है वो और भी अच्छा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो. अल्टीमेटली बेनिफिट किसके पास जाएगा? राजा के पास जाएगा. अगर देखो कंट्री में सब लोग अमीर हो जाए ना तो उसमें बेनिफिट गवर्नमेंट का भी है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा, है ना. और अमीर लोग यार थोड़ा पैसा है दे दो, क्या जाता है, बाकी तो उड़ा ही रहे हैं. तो उन लोगों को ऐसा एटीट्यूड आ जाता है. तो इवन पब्लिक भी एंड जो राजा भी थे वो लोग बहुत प्रॉपर मैनर में काम कर रहे थे. दे आर बिल्डिंग द कैनाल्स. कैनाल्स बनेंगे तो पानी प्रॉपर टाइम पे जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है. इवन लेक्स बना रहे थे ताकि अगर इफ देयर माइट बी अ वाटर शॉर्टेज तो लेक्स कैन बी हेल्पफुल. एंड इवन आर्टिफिशियल रिजर्वायर. आर्टिफिशियल यानी जमीन को खोदते थे और एक तरह का आर्टिफिशियल लेक बनाते थे. इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल को नेचुरल पूल थोड़ी है, वो हम लोगों ने खोदा फिर उसमें टाइल्स वाइल्स फिट की ताकि हम लोग थोड़ा रिक्रिएटिंग एक्टिविटी कर सके. ठीक है, इतनी ठंडी में मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा स्विमिंग पूल के बारे में, जाना तो पर्सनल रिस्क पे जाना. एनी हाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंशेंट इंडिया रूरल लाइफ. ओके, अर्बन होता है, रूरल होता है, रूरल ओके प्रनाउंस बराबर नहीं हुआ था. सो रूरल लाइफ मीन्स गांव की जिंदगी. ठीक है, तो पुराने टाइम पे यूजुअली हमने देखा कि गांव ज़्यादा होते थे. सो लेट अस टॉक अबाउट द रूरल लाइफ. लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वॉज एज फॉलोस. तो इंडिया में दो टाइप के गांव होते थे, एक नॉर्थ इंडिया के गांव होते थे और एक साउथ इंडिया के गांव होते थे. द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड द ग्राम भोजक इन नॉर्थ इंडिया. सो आजकल तो हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं कि जो गांव का जो हेड होता है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं, बट इट वाज नॉट लाइक दैट इन द अर्लियर टाइम्स. पुराने टाइम पे इंडिया में ग्राम भोजक कहते थे. अभी भोजक का क्या मीनिंग है इवन आई ऑल्सो डोंट नो. सो देखते हैं अगले लेक्चर में इसका शायद मीनिंग हो जाए. सो यूजली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली रिमेंड ऑन द पोस्ट फॉर जनरेशन. द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी. ग्राम भोजक यूज टू बी द हाइएस्ट लैंड ओनर इन द विलेज. देखो अब नॉर्थ इंडिया की बात चलिए तो पहले क्या था, जो सरपंच थे ना वो कोई पर्टिकुलर एक फैमिली वाले ही रहेंगे और फैमिली के मतलब सपोज मेरे फादर ग्राम भोजक हैं गाँव के सरपंच हैं और मैं उनका लड़का हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली सरपंच ही बन जाऊँगा. तो ये इस टाइप की सिस्टम पहले एग्जिस्ट हुआ करती थी. एंड ये मतलब फैमिली टू फैमिली हेरिडेटरी यानी अब नेक्स्ट सरपंच कौन बनेगा, ग्राम भोजक कौन बनेगा, इवन जो मेरा सन होगा समथिंग लाइक डैट. और उनके पास यूजुअली गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन भी उनके पास ही हुआ करती थी. नाउ एग्जैक्टली बिलो माय इमेज दिस लैंड ओनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट टू डू फार्मिंग. अभी लोग क्या खुद खेत में जाके खेती करेंगे? नहीं,
ये लोग कुछ लोगों को रेंट पे रखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई खेत का काम है, मैंने बुलाया इधर 300 रुपीज़ ले मिलेगा, ठीक है, आज पूरा दिन काम कर, आज इतना काम हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो इस टाइप की मतलब चीज़ें हुआ करते थे। वो लोग मतलब लोगों को रेंट पे फार्मिंग करने के लिए देते थे। किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। इवन ये जो राजा थे ना, वो सबके एक एक के घर पे जा जाकर टैक्स थोड़ी कलेक्ट करेंगे। उन्होंने ऐसे ही जो ग्राम भोजक थे उनको अपॉइंट किया कर रखा था कि आप अपने गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करो और मुझे दे दो। तो वो राजा के लिए ईजी था, ठीक है। अब एक गांव में अगर 5,000 फैमिली रहती हैं और ऐसे 5 गांव अगर राजा को टैक्स कलेक्ट करने जाएगा तो भी महीने लग सकते हैं टैक्स कलेक्ट करने में। लेकिन जो गांव का जो हेड होता है, ग्राम भोजक, अगर वो सारे गांव के अगर टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो राजा को क्या है, सिर्फ ग्राम भोजक से मिलने की जरूरत है और उससे वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। सो ही लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो। इवन जो ग्राम भोजक होता है वो गांव में सारी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, लोगों के जो झगड़े होते थे वो सॉर्ट आउट करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी। तो इस टाइप का, जैसे आज हमारी अदालतें काम करती हैं, दे आर यूज टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो। देर वेर 3 टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सदर्न इंडिया। ओके, आप इसको कभी साउदर्न नहीं बोलोगे, इसको सदर्न प्रनाउंस किया जाता है, ना विश्वास हो तो साउदर्न लिख के वो गूगल वाली एंटी का जो स्पीकर है उस पर उंगली प्रेस करना, फिर देखना वो साउदर्न बोलेगी या सदर्न बोलेगी, ठीक है। इंग्लिश भी लैंग्वेज बहुत डेंजरस है। नाउ एनी हाउ, बिग बिग लैंडलॉर्ड्स एंड स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर सर्वेंट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के लोग थे, एक तो बहुत बड़े जमींदार लोग, फिर छोटे किसान, और तीसरे वो जिनकी खुद की कोई जमीन ही नहीं है, जो मतलब पूरा दिन खेतों में मजदूरी करते रहते हैं। ओके, सो ये सब टाइप के सीन्स हुआ करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ, जिसको हम लोग कहेंगे लाइफ इन टाउन्स। मतलब कोई बहुत बड़े बड़े शहर तो नहीं होते थे, लेकिन हम लोग यूजुअली उसे टाउन्स ही प्रनाउंस करेंगे। मोस्ट ऑफ द सिटीज वेयर कैपिटल ऑफ द महाजन पाड़ास अबाउट 2,500 ईयर्स अगो, दिस सिटीज वेयर प्रोटेक्टेड बाय द फोर्टिफिकेशन। स्पेरिकल वेल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी सिटीज विच वेयर नोन एज वेल्स। दीज वेल्स वेयर यूज फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन एंड डस्टबिन। तो देखो, पहले के ज़माने में जो महाजन पाड़ास होते थे, बड़े बड़े जो मतलब किंगडम होते थे, आज से कुछ 2,500 ईयर्स पहले, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे किंगडम के चारों तरफ, ताकि एनिमीज का अटैक को रोका जाए। इवन वो लोग प्रॉपरली वेल सिस्टम डेवलप किया था उन्होंने, जिससे मतलब एक तरह से उनको पानी भी अच्छे से मिलता रहता था। इनके पास प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था, जिससे मतलब सारा पानी निकलने का व्यवस्था अच्छा था। कचरा हटाने, सॉलिड वेस्ट हटाने के लिए डस्टबिन होते थे, लिक्विड वेस्ट हटाने के लिए उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम किया था टॉयलेट्स के लिए। पीपल इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज्ड व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड मीट फॉर मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पज। तो ये सब लोग यही सब खाना खाया करते थे। ओके, नाउ यूजली मैन एंड वुमन वेयर 2 क्लोथ्स। तो उस टाइम पे 2 पीस क्लोथ्स ही पहनते थे। द क्लोथ दे वॉर्न ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नीवी। तो जो लोग नीचे पहनते थे, यूजुअली आपने देखा होगा साउथ में लुंगी लपेटते थे एंड फीमेल से वो जो साड़ी पहनती हैं, तो उसे नीवी कहा जाता है। एंड द क्लोथ वॉर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज कॉल्ड वास। तो वास नीवी, नीवी व्यास। ओके, तो इस टाइप के आपको याद रखना है। समटाइम दे रैप द क्लोथ लाइक दुपट्टा अराउंड द अपर पार्ट विच इज कॉल्ड द आदिवास। ओके, तो कभी कभी दुपट्टा लगाते हैं, उसे हम लोग आदिवास कहेंगे। ऊपर पहनने वाले को वास कहेंगे, और अगर आपने दुपट्टा लगाया तो आदिवास, ठीक है। नाउ एंशंट इंडिया, ठीक है। हिस्टोरियन डिवाइड आर्ट्स इंटू 2 पार्ट्स। ओके, तो हिस्टोरियन ने क्या किया है, हमारे आर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। अब ये फाइन आर्ट में क्या क्या आता है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आता है, लेट अस सी। फाइन आर्ट्स इंक्लूड ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, क्ले, सॉरी, म्यूजिक, क्ले आर्ट एक्सेट्रा। तो ये सब क्या आता है,
फाइन आर्ट्स में आता है, जबकि वाइल परफॉर्मिंग द आर्ट्स इंक्लूड डांस एंड ड्रामा। वी विल लुक इन टू दिस मैटर्स इन डिटेल। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो टॉपिक्स है डेट इज़ बेसिकली ये हमारे इन्हीं सब के इर्द गिर्द रहेगा। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राइंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेंटिंग्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिटरेचर जो मतलब लिखावट होती है, आर्किटेक्चर जो मतलब बनावट होती है, मूर्तियाँ वूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है, अपने जो अलग अलग स्टाइलिश पिलर्स देखे होंगे, इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्ट एक्सेट्रा। अच्छा, परफॉर्मिंग कुछ जो परफॉर्मेंस होते थे जैसे कि यू कैन से डांस एंड ड्रामा, तो ये भी हम लोग अब सब ये सारे टॉपिक इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। इन माई नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेचर इन इंडिया। ओके, यहाँ पे लोग कह रहे हैं इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिस्क्रिप्शन बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। नाउ रिलीजियस लिटरेचर क्या है वो हम लोग सब इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड दिस इज द पार्ट वन। वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रॉट इट पार्ट टू, पार्ट थ्री, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक, सॉरी करेक्शन, CW एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी कैन डिमांड एट एनी टाइम। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय एवरी वन।